नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राम मंदिर को लेकर लगातार चर्चाएं जोरों पर हैं। आज जनता से बात करेंगे राम मंदिर के मुद्दे पर, आखिरकार उनकी क्या समझ है राम मंदिर को लेकर के, जनता में क्या समझ है, जनता क्या राय रखती है राम मंदिर को लेकर के। तो आइए आपको दिखाते हैं राम मंदिर के मुद्दे पर जनता की बेबाक राय। राम मंदिर को लेकर के आपकी क्या राय है राम मंदिर को लेकर? हाँ भाई, ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो मंदिर मस्जिद या कुछ भी जो है एक आस्था का विषय होता है, ठीक है। लेकिन जब आस्था तभी तक काम करती है जब पहले कह दें डेवलपमेंट हो। पहले अगर लोगों को खाने को नहीं है, लोगों को रहने को नहीं है, तो वो समस्याएं पहले सुलझानी चाहिए। और ये जो मंदिर मस्जिद जो है बाद में सुलझाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मंदिर का मुद्दा जो है अब सड़क से लेकर संसद तक जो है बिल्कुल गरमाया हुआ है इस समय, और बीजेपी जो है इसको बिल्कुल हाईलाइट किए हुए है, आपको क्या लगता है कि मंदिर बनेगा 2019 से पहले या ये इसी तरह से बना रहेगा? तो पर्सनली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मंदिर बनता या नहीं बनता है, लेकिन ये तो अब जो मंदिर के ऊपर राजनीति हो रही है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है कोई भी है, ये मुझे लगता है कि राजनीति है। और मैं किसी फेवर में नहीं हूँ कि मंदिर बने या नहीं बने, वहाँ मस्जिद बने या नहीं बने, क्योंकि मैं जो है मैं सिर्फ इंसानी जो है उसको मानता हूँ कि भाई इंसानों का भला हो, जो जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिले, जिनके पास खाने को नहीं उनको खाने को मिले, और जिनके पास कहते हैं जो जैसे किसान जैसे भूखे मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उनकी उन समस्याओं का हल हो। मेरे लिए मंदिर मस्जिद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए सर, बात ऐसी है कि आप अपने बगल में जाइए, अपने आस पड़ोस देखिए, जहाँ भी देखिए वहाँ पे आपको मंदिर मिल जाएंगे। और जहाँ तक हिंदू दर्शन की बात है, वो तो कहते हैं कि हर प्राणी में परमात्मा है, तो फिर जब प्राणी में परमात्मा है तो उसके मंदिर के लिए इतना झगड़ा नहीं होना चाहिए। और इस्लाम में भी अगर हम देखें तो इस्लाम को तो शांति का प्रतीक मानते हैं हम लोग, कि इस्लाम का शब्द ही जो मुस्लिम मतलब जिसको हम कुरान बोलते हैं, अगर कुरान को कोई पढ़े तो उसको पता चलेगा कि इस्लाम शांति के अलावा है ही कुछ नहीं। लेकिन अब ये जो राजनेता हैं, अब इनकी खिचड़ी कैसे पके, चाहे वो मंदिर बनाएंगे या मस्जिद बनाएंगे, हमें आपस में लड़ाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि अकबर ने एक सपना देखा था एक विश्व धर्म का, दीन इलाही की जो स्थापना करना चाहते थे, क्यों ना ऐसा हो कि वहाँ मंदिर ना बना के ना मस्जिद बना के उसको तोड़ के स्कूल बना दें, कॉलेजेस बना दें, कुछ ऐसा नया करें कि जहाँ पे लोगों को शांति सीखने के लिए मिले। भगवान राम भी तो जो है ना, उनकी अगर हम रामायण को पढ़ते हैं तो रामायण का हर किस्सा एक संदेश देता है लोगों को, भगवान राम को हम। अच्छा, एक बात बताइए, 2019 के लिए जो है लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है किस पार्टी को जो है इससे फायदा मिल सकता है, किसको नुकसान होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी को फायदा मिलेगा। देश की जनता पढ़ी लिखी हो गई है, आप लोग जो भी हम आते हैं लोग, अब मेरे ख्याल से इतने बेवकूफ़ नहीं है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। उनको सब पता है कि मंदिर कब बनेगा कब नहीं बनेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में है। अब ये कुछ भी बोले राजनेता वो अलग बात है, तो मुझे नहीं लगता कि देश की जनता इस मुद्दे को लेकर भटकाव में आएगी, वो अपने विवेक से अपनी बुद्धि से वोट देगी। अध्यादेश लाना चाहिए था। विपक्षी लोग जो हाय तोबा मचा रहे हैं कि लोग नहीं किया, उनको मौका मिल जाता कि आप कर रहे हैं तो साथ दीजिए, लाना चाहिए। तो जो बयान दिया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि उन्होंने कहा कि अब जो है कोर्ट के द्वारा जो फैसले की बात कर रहे हैं? मजबूर हैं, प्रधानमंत्री भी इस मुद्दे पर मजबूर हैं, उनको भी वोट लेना, वो भी राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, तो वोट की राजनीति हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने जस्ट अभी कहा कि वोट की राजनीति जब भी इलेक्शन का वक्त आता है तो बाबरी मस्जिद का मामला उठाया जाता है, इसके पहले क्यों नहीं? इतने सालों से बीजेपी ने सरकार बनाया, सरकार अटल बिहारी वाजपेयी रहे, नरेंद्र मोदी जी रहे, और इसके बावजूद आज तक बाबरी मस्जिद के जगह पर राम मंदिर नहीं बना। ये राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला जो है कभी सुलझने वाला नहीं है, चूंकि ये इलेक्शन का एक मुद्दा है और मुद्दा समाप्त कभी नहीं होगा, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, ये मुद्दा समाप्त नहीं होगा। दोनों को रोटी सेकना है, रोटी सेकेंगे, जनता को मूर्ख बनाना है, चुनाव के लिए तैयार है ये मुद्दा। ये मुद्दा चुनावी मुद्दा है सर। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, सिर्फ मुद्दा बनाकर वोट लेकर मूर्ख बनाने का काम करते हैं।
लिए राजनीति, बेरोजगारों के लिए काम नहीं हो रहा है, विकास के लिए हो नहीं रहा है। एक संदेश फैलाए, चाइना आसमान में कोशिश कर रहा आगे बढ़ने का, हम राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के में लगे हुए हैं। बेरोजगारों का क्या रोज अभी तक मिला कोई नौकरी? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतना वादा किए, क्या किए? ये हम बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मुद्दे से अलग होकर विकास के मुद्दे पर चाहते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर चाहते हैं। हमारा बेरोजगार युवक अगर यहाँ पर रोजी रोटी के लिए रहेगा तब सही है, नहीं तो ना बाबरी मस्जिद खाने को देगा ना राम मंदिर खाने को देगा। हम उनको रोजगार चाहिए, बस इसी के। क्या कहना है आपका, क्या कहना है पूरे मंदिर को लेकर के, जिस तरह से जो बातें हो रही, चर्चाएं हो रही है, जनता क्या समझ रही है? जनता समझ रही है कि इलेक्शन का मुद्दा है ये। हाँ, इलेक्शन का मुद्दा है, ये नहीं होना चाहिए। चार साल पहले साइड में रहना चाहिए, चार साल पहले इनको करना चाहिए था, अभी अंतिम समय में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अगर कर देते हैं तो कई फायदा मिलेगा 2019 में? हमारे दिमाग से बाहर की चीज़ है, इस पर हम लोग नहीं, कोई सुनना भी नहीं चाहते ये सब, ये बेकार की चीज़ है। इस न्यायपालिका में जज का पोस्ट खाली है, क्या नहीं भरते हैं? न्यायपालिका में जज का पोस्ट खाली है, परेशान पब्लिक है, उसको केस लड़ने में परेशानी होती है, न्यायपालिका में जज का पोस्ट खाली है, वकील इतना इतना पैसा ले रहा है, ये दूर होना चाहिए कि राम मंदिर से हमको मतलब है। हमारा मुद्दा पहले करा नहीं, राम मंदिर अभी तक इंसाफ नहीं मिली, हमारा मुद्दा निकाल जो, लेकिन इस पर बात नहीं, पार्लियामेंटेरियन को यही काम है, पार्लियामेंटेरियन को यही काम है। राम मंदिर मुद्दे को लेकर के आपकी क्या समझ है, क्या राय आपकी है? राम मंदिर मुद्दा तो मेरे हिसाब से कोई मुद्दा ही नहीं, राजनीति का उठाया मुद्दा। राम तो एक निजता का सवाल है, राम आस्था का सवाल है, राम कटाव नहीं जुड़ाव का सिंबल है। अगर राम मंदिर देश का विभाजन करता है तो ऐसे राम मंदिर की जरूरत शायद इस देश में नहीं है। इस देश में राम मंदिर के अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम अगर इस आंदोलनकारी स्थिति जैसे राम मंदिर को हम उद्घोषित कर रहे हैं, उन मुद्दों पर अगर हम साथ दें तो भारत आने वाले 20-25 सालों में विश्व की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आपको लगता है कि अगर 2019 के चुनाव से पहले कहीं अगर राम मंदिर बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है तो क्या ऐसी स्थिति में 2019 के चुनाव में बीजेपी को फायदा हो सकता है लोकसभा चुनाव में? देखिए, राम मंदिर एक भ्रमक स्थिति उसके लिए बना दी गई है। अगर एक मंदिर निर्माण से अगर देश का निर्माण होता है तो जरूर हो जाए, लेकिन एक मंदिर निर्माण के बाद भी अगर देश में विघटन होता है, उसका विभाजन होता है, देश में दुष्परिणाम हमें उसको देखने को मिलते हैं, तो ऐसा मंदिर मेरा किस काम का? अगर देश बचेगा तो धर्म बचेगा ना, धर्म बाद में आता है, देश हित पहले आता है, ये नीति भी कहती है, ये धर्म भी कहता है। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं इनसे बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। आपको क्या लगता है, मंदिर जो है वो मुद्दा बनाया गया है या मंदिर जो है वाकई अभी तक जो पार्टियां हैं वो रोक रही हैं उसको बनने से? ये सिर्फ मुद्दा है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ मुद्दा है, बहस है, कॉन्ट्रोवर्सी है और कुछ नहीं है। निचोड़ नहीं है, किसी बात का हल नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं लोग, टाइम वेस्ट करते हैं, हमारा भी और जो नुकसान होता है उसके बारे में नहीं सोचते, तो हमें उस पर भी सोचना चाहिए। तो राम मंदिर मुद्दे को लेकर के आपने जनता की ये बेबाक राय देखी, आपकी राय क्या कहती है राम मंदिर को लेकर के? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से अवगत जरूर कराएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।